हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। कंटेक्स्ट तो अभी कुछ इतना खास नहीं है, बट हमारे लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। देखो, हमारे देश में चीता है वो बेसिकली लुप्त हो चुका है। 1952 में चीता है वो लुप्त हो गया था। बेसिकली लास्ट टाइम जो चीता देखा गया था वो देखा गया था 1947 में। उसके बाद अभी तक आज तक हमारे देश में चीता है वो नहीं देखा गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि 1952 में इसे इंडिया में लुप्त वो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि भाई चीता को है वापस से रीइंट्रोड्यूस है वो इंडिया में किया जा सके। इसके लिए 2009 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने एक प्रोजेक्ट लेके आया जिसका नाम था चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। इसका मेन मोटो यही है कि इंडिया के अंदर चीता है वो बाहर से लाए जाएं और उनको दोबारा यहाँ पे एक तरीके से मतलब रखा जाए, जिससे इंडिया के अंदर इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। अब बेसिकली हमारे लिए दो तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट ये हैं कि एक तो इंडिया में चीता लाने की बात है कहाँ से, और दूसरा कहाँ पे इनको स्थापित करने की बात है वो है। अब देखो, हम जैसा सब जानते हैं कि चीता है वो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, क्योंकि चीता एक बिग कैट फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है दौड़ने की। तो इसलिए उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मतलब खुले मैदान से भी हो, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत घने जंगल हो, तो ठीक ठाक सा एरिया चाहिए कि ज़्यादा घना भी ना हो और ज़्यादा एकदम ओपन भी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा ओपन होगा तो शिकार में भी दिक्कत है आती है। और इसके लिए इंडिया में जो बेस्ट उसके लिए लोकेशन है वो बेसिकली देखिएगी मध्य प्रदेश के नौरोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो यह ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में दो ऑप्शन थे, एक तो राजस्थान में और एक मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो नौरोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये परफेक्ट रही, और इसीलिए प्लान ये किया गया कि नौरोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में चीता को रीइंट्रोड्यूस है वो किया जाएगा। अब इंडिया में जो चीता लाए जाएंगे वो बेसिकली लाए जाएंगे नामीबिया, जो कि अफ्रीका में है। चलो आप ये बताइए कि नामीबिया लैंडलॉक कंट्री है या नहीं है, इसकी लोकेशन बताइए कि नॉर्थ साउथ कहाँ पे, एक बार आप जाइए गूगल में और उसके आप लोकेशन इसकी देखिए ऑक्सफर्ड मैप वगैरह में कहीं भी कि नामीबिया की लोकेशन है वो कहाँ पे है। अब देखो, कंटेक्स्ट अभी इसका बेसिकली ये था कि फंडिंग की वजह से अभी तक ये पेंडिंग है वो चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसके लिए फंड है वो रिलीज नहीं किया और उसकी वजह से चीता को इंडिया में वापस से रीइंट्रोड्यूस है वो नहीं किया गया है। तो हमें यहाँ पे दो चार फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि एक तो चीता है वो यहाँ पे मतलब इंडिया में कहाँ पे दोबारा उसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और दूसरा कौन। देखो, चीता के लिए जो बेसिकली जो अथॉरिटी है, यहाँ पे हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, बट बेसिकली जो सारे काम किए जाएंगे वो किए जाएंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई किस किस के द्वारा क्या काम किया जा रहा है और इंडिया में चीता कहाँ से रीइंट्रोड्यूस करने की बात है वो चल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आजकल काफ़ी टाइम से लगभग महीना भर हो गया डेली डाटा लोकलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, तो हम इसे थोड़ा कवर कर लेते हैं। देखो, डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या, आखिर हम देख लेते हैं। देखो, आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। अब हो क्या रहा है कि जो फॉरेन कंट्री है, अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं अपन अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का, किसी भी कंपनी का ले लो। चलो अमेजोन का ले लेते हैं कि जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है और परफेक्ट रहेगा इसके लिए। अब देखो, अमेजोन से अपन काफ़ी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं और इन चीज़ों को फिर अपन क्या करते हैं, पहले वो अपन सारी डिटेल देते हैं ऑर्डर लेने से टाइम, एड्रेस वगैरह, अपनी एज, फ़ोन नंबर, सब डिटेल्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद वो हमें चीज़ें डिलीवर वो बेसिकली करते हैं। तो उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हमने भेजी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है। देखो, बेसिकली अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूएसए में सर्वर है उनके, मतलब यूएसए में उनके डाटा स्टोरेज सर्वर है, वहाँ पर जाके सेव हैं वो हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं। अब इंडिया को इससे आपत्ति यह है कि भाई अगर यूएसए में जाके स्टोर हो रही हैं तो देखो ऑब्वियसली अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशन है कि हाँ भाई वो किसी को डाटा शेयर नहीं करेगी, ये है वो है। बट आप एक चीज़ जानते हो कि अगर कहीं बात आती है नेशनल इंटरेस्ट की, तो आपको पता है कि हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखा जाता है, प्राइवेसी जाती है भाड़ में उस कंडीशन में। तो अगर यूएसए कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए हो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि अमेजोन कंपनी है वो बेसिकली यूएसए का साथ देगी। अगर यूएसए को इंडिया के लोगों का डाटा चाहिए किसी भी काम के लिए, हो सकता है कोई गलत इरादा हो जो भी हो, तो उस कंडीशन में अमेजोन ऑब्वियसली यूएसए का साथ देगी, क्योंकि वो तो वहां की कंपनी है और चाहे जो भी हो नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है तो देखो वहां ऑब्वियसली अपना फायदा देखेगी वो। तो ऐसे में इंडिया को नुकसान हो सकता है। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई इंडिया का जो भी डाटा है ना वो इंडिया में ही रहना चाहिए, मतलब इंडिया के लोगों का डाटा है उसका सर्वर आप इंडिया में बनाओ, इंडिया में उस डाटा को स्टोर करना है।
ऐसा नहीं है कि आप डाटा दूसरी कंट्री में जाके स्टोर करो। तो इसी चीज़ को लेके काफ़ी अभी बहस चल रही है, तो यह मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कि डाटा लोकलाइजेशन, मतलब डाटा है वो इंडिया के लोकल लेवल पे स्टोर करना है, ना कि आप इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी कंट्रीज में जाके स्टोर है वो करो। देखो इस मामले में देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि चाइना अपना डाटा है वो किसी भी कंट्री को बाहर स्टोर करने नहीं देता। चाइना का जितना भी डाटा है वो कोई भी कंपनी अगर चाइना में काम करिए तो उसको चाइना में स्टोर करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अभी इंडिया चाह रहा है कि भी अपना जो डाटा है इसको इंडिया में यूज़ किया जा सके, क्योंकि देखो काफ़ी मिसयूज होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले फेसबुक थी, उसका जो काफ़ी डाटा है वो चोरी हो गया था किसी कंपनी के थ्रू, और उसके बाद उसका मिसयूज करने की बात वो सामने आई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर डाटा मिसयूज होता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, वो लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और बात आई इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की, तो उस मामले में भी इसके साथ ही हम बात करें देखो कि और क्या फ़ायदा होगा इंडिया को। देखो इसके फायदा ही होगा, अगर इंडिया के अंदर सर्वर वगैरह बनाए जा रहे हैं, डाटा स्टोर होगा, तो ऑब्वियसली लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी आएगी। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर आपको काम करना है तो भाई कुछ ना कुछ आपको इंडिया में ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इंडिया को काफ़ी कुछ फ़ायदा भी इससे मिलने वाला है। बट इससे देखो भी दिक्कत क्या है कि कंपनी का लॉस बढ़ेगा, मतलब कंपनी को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सारी कंपनियों को आपको पता है कि डाटा इंडिया के अंदर लाना पड़ेगा, मतलब सारे सर्वर वगैरह इंडिया में बनाने पड़ेंगे, और सर्वर वगैरह बनाने में देखो काफ़ी ज़्यादा खर्चा है वो होता है, तो इसलिए कंपनीज का बर्डन है वो बेसिकली बढ़ने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट है वो एक ड्राफ्ट भी लेके आई पॉलिसी, जिसका नाम है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 ड्राफ्ट। अभी तक देखो ये बिल है, मतलब अभी तक एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें भी डाटा लोकलाइजेशन की बात की गई है कि भाई इंडिया के लोगों का डाटा इंडिया के अंदर ही स्टोर हो, चाहे कंपनी कहीं की भी हो, उससे कोई लेने देना नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बात आएगी नेशनल इंटरेस्ट की, तो ऑब्वियसली चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोई भी कंपनी हो, अपने देश का साथ देगी, ना कि इंडिया का। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि भाई कुछ भी हो यहाँ पर एक डाटा स्टोर होना चाहिए। अब इश्यू जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो इंडिया में इंफ्रा बेनिफिट देखें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इसके साथ ही इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया के अंदर चीज़ें हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला है वो हम देख सकते हैं कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का भी इश्यू नहीं रहेगा, और सॉवरेनिटी ऑफ डाटा, मतलब डाटा किसी दूसरे के पास स्टोर नहीं होगा, वो भी हम यहाँ पर बेनिफिट देख सकते हैं। फिर थोड़ा देखो यहाँ पे आर्टिकल में डाटा भी दिया गया था कि इंडिया की अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो अभी तक डाटा स्टोरेज का जो मार्केट है वो लगभग 144.76 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा 2022 तक। अगर ऐसे मामले में देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए इंडिया चाहता है कि डाटा इंडिया में स्टोर हो सके। तो उसके बारे में एक आर्टिकल था, तो थोड़ा हमने यहाँ पे देख लिया इसको। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को लेके। कंटेक्स्ट देखो ये है कि अभी आपको पता है आजकल काफ़ी टाइम से हैशटैग मीटू मूवमेंट या मीटू कैंपेन है वो चल रहा है। ये है क्या पहले तो वो जान लेते हैं। हैशटैग मीटू मूवमेंट या कैंपेन है ये देखो बेसिकली अगर कोई भी वुमेन है, अगर उसके साथ कोई भी हरासमेंट हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी टाइप का, चाहे वो काफ़ी टाइम पहले हो चाहे अभी हो, उसके बारे में वो बेसिकली एक तरीके से ट्विटर पर या ट्वीट है वो बेसिकली कर सकती है। तो ये एक है मी टू कैंपेन है, फेसबुक वगैरह पे सब जगह बेसिकली चल रहा है। तो अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसने बेसिकली ये क्या किया है कि भाई एक मेल आईडी लॉन्च किया है जिसका नाम है me2@gmail.com। इस मेल आईडी पे कोई भी वुमेन है, अगर उसको सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको मतलब परेशान किया गया है, टॉर्चर किया गया है सेक्सुअल तरीके से, तो वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। तो उसके लिए फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो एक्शन लेगा। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट आया है। तो देखो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है या फिर हम कहीं भी ऐसे राइटिंग में हो तो इसका यूज कर सकते हैं कि हैशटैग जो मी टू मूवमेंट है कैंपेन है इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर एग्जाम में जब भी हमें आंसर राइटिंग आती है, जैसे एग्जाम्पल ये मान लो कि हिस्ट्री में क्वेश्चन आया कि ऋग्वेदिक टाइम के बारे में क्वेश्चन आया, और उसमें वुमेन्स की कंडीशन या उस टाइम पे कंडीशन पूछी जा रही है हमें कि भाई कैसी कंडीशन थी सोसाइटी वगैरह की, तो वहाँ पे हमें वुमेन का पॉइंट है वो छोड़ना नहीं है। एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है उस कंडीशन में, फिर भी हमें एक लाइन पुट करनी है, ये ध्यान रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो ऋग्वेद के टाइम पर वुमेन की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, और वुमेन्स का पॉइंट हमें जहाँ भी कोई इस तरह का एस वगैरह हो या फिर क्वेश्चन हो वहाँ पर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, जो कि एक स्टैचुरी बॉडी है। बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इसको 1992 में बनाया गया था। एक एक्ट आया था इसके लिए जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, मतलब 1990 में एक्ट आया और 1992 में इस बॉडी को बनाया गया था।
काम क्या है इस बॉडी का? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये बेसिकली देखो वुमेन के जो इंटरेस्ट हैं और उनके सेफ गार्ड हैं उनको प्रमोट करती है। मतलब वुमेन्स के खिलाफ अगर कोई भी इशू हो रहा है या उनके खिलाफ कोई भी मामला है तो उसको बेसिकली उससे निपटने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो काम करता है। जैसे कि अभी वुमेन्स के खिलाफ कुछ सिक्योरिटी का मामला हो या फिर कोई और भी तरह के कैंपेन हो, कोई रेप केसेस हो, कुछ भी हो, उस कंडीशन में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो बेसिकली काम करता है और वुमेन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है आजाद हिंद सरकार के बारे में। देखो आपको पता है कि 21 अक्टूबर 1943 को बेसिकली आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद सरकार है वो बेसिकली अनाउंस है वो की गई थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब आप ये बताना यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आजाद हिंद जो फौज थी उसको बनाया किसने था? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आजाद हिंद फौज की, कि आजाद हिंद जो फौज या जो आर्मी थी उसको बनाया किसने था। सरकार की तो जो अनाउंसमेंट है वो तो सिंगापुर में की गई थी 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो कंटेक्स्ट तो अभी यही है कि 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं अभी 21 अक्टूबर को, और उसी मौके पे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी वो एक्चुअली लाल किले से झंडा फहराएंगे और आजाद हिंद सरकार की एक तरह से मतलब आप बोल सकते हो कि 75वीं वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। अब हमारे लिए यहाँ पे दो तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बात, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आजाद हिंद फौज है वो बनाई किसने थी, इसके बाद में आपको ये बताना है कि आजाद हिंद फौज की जो महिला रेजिमेंट थी या बोल सकते हो कि महिला की जो ब्रांच थी उसकी हेड कौन थी, उसकी हेड का नाम भी आपको यहाँ पे बताना है। देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन से वो पूछती रहती है, अगर चाहे तो क्वेश्चन आंसर अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, बट आप एक बार जाइए और फिर हिस्ट्री में खंगालिए, क्योंकि देखो जब आप वहाँ पे ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको 5 फैक्ट और देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मैं आपको यहीं पे आंसर बता दूंगा तो आप बस 2 आंसर सुनोगे और काम हो जाएगा, बट बेटर है कि आप वहाँ जाके इस पूरे पॉइंट को पढ़ो स्पेक्ट्रम वगैरह में कहीं भी कि आजाद हिंद फौज है वो कैसे बनी थी क्या था, तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली देखो इसका दूसरा नाम भी था, वो नाम था अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम था आजाद हिंद सरकार का, और ये बनाई क्यों गई थी? ताकि इंडिया को अंग्रेजों से मुक्ति वो दिलाई जा सके, इंडिया के इंडिया में जो अंग्रेज रह रहे थे उस टाइम पे उनके खिलाफ लड़ने के लिए बेसिकली सरकार का निर्माण है वो किया गया था। अब इसके अलायंस कौन थे, कौन इसके सपोर्टर थे, वो भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। देखो जापान था उसके द्वारा ये सपोर्टेड थी, जर्मनी के द्वारा सपोर्टेड थी, और उस टाइम पे हम जानते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद था तो नाजी के द्वारा सपोर्ट हो गया ऑब्वियसली, और इटली और इनके जो अलायंस थे मतलब इनके जो मित्र संगठन थे या मित्र देश थे उनके द्वारा बेसिकली आजाद हिंद सरकार को सपोर्ट है वो दिया गया था। अब हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो देखो सुभाष चंद्र बोस हैं वो बेसिकली 1920 से 30 का जो टाइम पीरियड था इसमें हम बात करें तो कांग्रेस में उनका काफ़ी अच्छा रोल है वो रहा था, और एक तरीके से कांग्रेस में वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल के मतलब बोल सकते हो कि लीडर बन गए थे, हेड टाइप के हो गए थे, मतलब उनकी काफ़ी उस टाइम पे बोलबाला था और उन्होंने काफ़ी सारे बयान वगैरह भी चलाए थे। और बात करें कांग्रेस के प्रेसिडेंट की तो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 1938 और 39 दोनों में ही लगातार कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो बने थे। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि 1938 और 1939 दोनों के सेशन हुए कहाँ थे कांग्रेस के, क्योंकि देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक आप ये बताइए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से सेशन की बेसिकली अध्यक्षता होगी थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने केवल एक ही सेशन था जिसमें उन्होंने अध्यक्षता है वो लीड रोल पे निभाया था। तो एक तो जगह का नाम बताना है और कौन सा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज आपके लिए 5-6 क्वेश्चन है वो यहाँ पे तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, FATF। कंटेक्स्ट देखो अभी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी भी एक सदस्यों की टीम है वो पाकिस्तान गई और उन्होंने पाकिस्तान को 40 रिकमेंडेशन दी कि भाई आप ऐसे ऐसे इन चीज़ों को सुधार लो तो हम आपको अगले साल मतलब सितंबर अक्टूबर का हमको टाइम दिया गया कि तब तक हम आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे। बट पाकिस्तान ने क्या है उस चीज़ पे भी आरोप लगाया कि आपके रिकमेंडेशन वगैरह वगैरह, तो वो तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में इसको बनाया गया था और यह है वो बेसिकली G7 कंट्रीज के द्वारा बनाई गई थी, मतलब G7 कंट्रीज ने इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे 1989 में इसको बनाया था। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मिसयूज से बचाया जा सके, मतलब जो पैसा है किसी भी कंट्री के पास ऐसा नहीं हो कि उसको आपको गलत तरीके से यूज करो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो, चाहे आप बात कर सकते हैं यहाँ पे टेररिज्म फंडिंग वगैरह हो, इनके लिए बेसिकली ये काम है वो कर सकती है। इसके साथ ही जो पॉलिसी डेवलपमेंट है उस पर काम करती है और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए बेसिकली काम है यह करती है। देखो जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था 1989 में तब यह केवल और केवल मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए काम करती थी कि मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा सके या मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोका जा सके।
उसके बाद 2001 में इसमें टेरर फंडिंग को भी ऐड कर दिया गया कि टेरर फंडिंग में भी पैसा आप यूज है वो नहीं कर सकते हो। तो ये इसमें दो चीजें ऐड है, आपको की गई है, ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को बेसिकली रोकने के लिए काम वो करती है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को कम किया जा सके। अभी कंटेक्स्ट देखो, थोड़ा टाइम पहले ये था कि पाकिस्तान को बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। अब ग्रे लिस्ट में डालने से हुआ क्या? देखो, ग्रे लिस्ट में डालने से डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इस पर सेंक्शन वगैरह लगा दिए गए, बट इनडायरेक्टली बोलते हैं ना कि इमेज है, छवि है, उसको नुकसान हुआ, एक तरह से मान हानि का ऐसा मामला हो गया। क्यों? क्योंकि सारी वर्ल्ड की कंट्रीज को पता चलने लग गया, एक तरह से उस बेइज्जती से होने लगी पाकिस्तान की कि यार वो तो टेरर फंडिंग वगैरह करता है, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अब इससे पाकिस्तान को लॉस ये होगा कि एक तो इकोनॉमिक लॉस होंगे कि कोई कंट्री वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी कि यार वहाँ पे तो माहौल ठीक नहीं है, वो टेररिज्म को सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होंगे, क्योंकि अदर कंट्रीज वो पाकिस्तान से दूरी है वो बनाने लगेंगी। तो ये कुछ पाकिस्तान को इश्यू यहाँ पे होने वाले हैं। तो हमने FATF के बारे में जाना। अब देखो, एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जाना कि इंडिया में चीता वो 1952 में एक तरह से लूप तब हो चुका था, और 2009 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया और इंडिया के मध्य प्रदेश की नोरोदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता को नामीबिया से रीइंट्रोड्यूस करने की बात है, वो चल रही है अभी तक पेंडिंग में। इसके साथ हमने डाटा लोकलाइजेशन के बारे में जाना कि डाटा लोकलाइजेशन है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इसके साथ हमने जाना कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसने metoo@gmail.com आईडी लॉन्च की है, जिसका मेन मोटो यह है कि कोई भी वुमेन को अगर सेक्सुअल हरासमेंट होती है कहीं भी, ऑफिस वगैरह में कहीं भी, तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। इसके साथ हमने आजाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में जाना कि 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी के साथ हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जाना, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है G7 कंट्रीज के द्वारा बनाई गई थी, और अभी पाकिस्तान को उसने ग्रे लिस्ट में ऐड है वो कर रखा है। तो ये तो थी आज की माय डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।